नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। मेरठ के अभिनव चौधरी की शहादत के साथ ही एक बार फिर से MiG-21 की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। इंडियन एयरफोर्स में MiG-21 सबसे ज्यादा क्रैश होने वाला लड़ाकू विमान है। यही वजह है कि किसी जमाने में भारतीय वायुसेना की रीढ़ कहे जाने वाले MiG-21 को उड़ता हुआ ताबूत भी कहा जाता है। मतलब भारतीय वायुसेना में MiG-21 क्रैश होने से बड़ी संख्या में पायलट जान गंवा चुके हैं। देखिए MiG-21 पर हमारी ये खास रिपोर्ट। MiG-21 बाइसन वही लड़ाकू विमान है जिसके जरिए बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन ने पाकिस्तानी F-16 को मार गिराया था। हालांकि पाकिस्तान कभी भी खुलकर इस सच्चाई को नहीं स्वीकार पाया, क्योंकि लगभग 60 साल पुराने लड़ाकू विमान से पाकिस्तानी एयरफोर्स की रीढ़ कहे जाने वाले आधुनिक लड़ाकू विमान F-16 को मात खाना ना तो अमेरिका को कबूल था और ना ही पाकिस्तान को। दरअसल रूस ने इसे अमेरिका के खिलाफ सिद्ध युद्ध के दौरान ही उपयोग करने के लिए विकसित किया था। चीन इस विमान को चेंगंदू J-7 के नाम से उत्पादन करता है। रूस और चीन के बाद से भारत इस विमान का उपयोग करने वाला दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है। हालांकि भविष्य में इसे स्वदेशी तेजस लड़ाकू विमान के साथ बदले जाने की बात चल रही है। लेकिन MiG-21 का इतिहास क्या है, पहले ये जान लेते हैं क्या है MiG-21 का इतिहास। साल 1964 में MiG-21 लड़ाकू विमान को पहले सुपरसोनिक फाइटर जेट के रूप में इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया गया था। शुरुआत में ये जेट रूस में बने थे और फिर भारत ने इसे विमान को असेंबल करने का अधिकार और तकनीक भी हासिल कर ली थी, जिसके बाद हिंदुस्तान एयरनॉटिक्स लिमिटेड को 1967 से लाइसेंस के तहत MiG-21 लड़ाकू विमान का प्रोडक्शन शुरू कर दिया था। रूस ने तो 1985 में इस विमान का निर्माण बंद कर दिया, लेकिन भारत इसके अपग्रेडेड वेरिएंट का इस्तेमाल करता रहा है। पाकिस्तान के साथ हुए 1971 और 1999 के कारगिल युद्ध में भी MiG-21 ने अहम भूमिका निभाई थी। MiG-21 बाइसन लड़ाकू विमान MiG-21 का एक अपग्रेडेड वर्जन है, जिससे अगले 3 से 4 साल तक इसका उपयोग किया जा सकता है। इस वर्जन का इस्तेमाल केवल भारतीय वायुसेना ही करती है, बाकी दूसरे देश इसके अलग अलग वेरिएंट्स का प्रयोग करते हैं। सितंबर 2018 तक वायुसेना के पास तकरीबन 120 MiG-21 विमान थे। अब तक कितने MiG-21 हुए हैं क्रैश? आंकड़ों की माने तो पिछले 45 सालों में 465 मिग विमान बिना किसी युद्ध में शामिल हुए जमींदोज हो चुके हैं। लेकिन यही जाबाज जब युद्ध के मैदान में दुश्मनों की दांत खट्टे करते हुए क्रैश होने वाले मिग की संख्या महज 11 है। सूत्रों के अनुसार एक आंकड़े के मुताबिक 946 मिग विमानों में से 2 1965 की लड़ाई में, 8 1971 की लड़ाई में और 1 मिग विमान 1999 में कारगिल में लड़ाई में क्रैश हुआ। क्या होती है तकनीकी खराबी? एक्सपर्ट्स के मुताबिक MiG-21 विमानों के क्रैश होने से 200 से ज्यादा जवान जान गंवा चुके हैं। भारतीय वायुसेना MiG-21 को धीरे धीरे हटाने की कवायद शुरू कर चुकी है, लेकिन अभी तक इन्हें पूरी तरह से हटाया नहीं गया। लड़ाकू विमान MiG-21 काफी तेज गति से उड़ता है। इन विमानों के कुछ मॉडल्स बहुत तेजी से लैंड करते हैं। कॉकपिट के खिड़कियों की डिजाइन ऐसी है कि पायलट को रनवे ठीक से नहीं दिख पाता है। MiG-21 के क्रैश होने की दूसरी सबसे बड़ी वजह ये है, इसके इंजन में फ्लेम आउट यानी अचानक आग पकड़ना भी आम है और इसी वजह से हादसे होते हैं। MiG-21 के क्रैश होने की एक वजह एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि भारतीय वायुसेना में लंबे समय तक किसी और फाइटर जेट का न शामिल होना भी है। लंबे समय तक वायुसेना में कोई नया फाइटर जेट शामिल नहीं किए जाने से पूरा भार MiG-21 पर ही रहा। MiG-21 की क्या है खासियत? MiG-21 बाइसन लड़ाकू विमान में कई घातक एयरक्राफ्ट, शॉर्ट रेंज और मीडियम रेंज एयरक्राफ्ट मिसाइलों से हमला करने में सक्षम है। इस लड़ाकू विमान की स्पीड 2229 किलोमीटर प्रति घंटा की है, जो उस समय सबसे तेज उड़ान भरने वाला लड़ाकू विमान था। इसकी रेंज 1944 किलोमीटर के आसपास थी। हालांकि भारत का बाइसन अपग्रेडेड वर्जन लगभग 1000 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। इनमें टर्बोजेट इंजन लगा हुआ है जो विमान को सुपरसोनिक की रफ्तार प्रदान करता है।
वियतनाम युद्ध के दौरान इन विमानों ने वियतनाम की तत्कालीन कम्युनिस्ट सरकार की तरफ से लड़ते हुए अमेरिकी एयरफोर्स की नाक में दम कर रखा था। हालत ये थी कि अमेरिका को एक MiG-21 लड़ाकू विमान को घेरने के लिए अपने 6-6 लड़ाकू विमानों को तैनात करना पड़ता था। जिस इलाके में वियतनामी कम्युनिस्ट सरकार के MiG-21 उड़ान भरते थे, उस इलाके में अमेरिका भूल कर भी अपना कोई हेलीकॉप्टर नहीं भेजता था। हालांकि अमेरिका के लड़ाकू विमान की संख्या और घातक मिसाइलों के कारण कई MiG-21 गिराए भी गए थे। हालांकि पिछले 2 महीने में MiG-21 एयरक्राफ्ट की ये दूसरी दुर्घटना है। मार्च के महीने में ग्वालियर में हुए क्रैश में ग्रुप कैप्टन रैंक के अधिकारी की जान चली गई थी। आपको बता दें कि पिछले कुछ सालों में कई ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जिसमें MiG-21 फाइटर जेट क्रैश हुए हैं। यही वजह है कि इन्हें फ्लाइंग कॉफिन के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन अभिनव चौधरी जिस MiG-21 को उड़ा रहे थे वो कुछ साल पहले ही अपग्रेड हुआ था। अभिनव मूल रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बागपत के रहने वाले थे, लेकिन इन दिनों उनका परिवार मेरठ में रह रहा था। अभिनव की कुछ समय पहले ही शादी हुई थी। उनके परिवार में पत्नी के अलावा माता पिता भी हैं, जिनका अभिनव के जाने के बाद अब रो रो कर बुरा हाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज वर्ल्ड इंडिया।